वेलकम टू माई चैनल गाइज। यार विंटर सीजन चल रहा है यार, अगर आप एक रूम हीटर ढूंढ रहे हैं तो यार आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वी गार्ड की तरफ से आने वाला इनका EQT 800 क्वार्टर्स वाला हीटर। इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, आपको इसका ओवरव्यू देने वाले हैं और इसी वीडियो में इसका डेमो भी दिखाने वाले हैं। और अगर आपका बजट जो है वो लगभग 1500 के आसपास है और आप उसमें एक हीटर ढूंढ रहे हैं तो क्या आपको उसको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं, सब इस वीडियो में बताएंगे। तो चैनल पर परिवार आया हो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हो सामने वी गार्ड की यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है, मॉडल नंबर यहाँ पर EQT 800 क्वार्टर यहाँ पर होने वाला है और 800 वॉट की कैपेसिटी बताई गई है। और यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो ऑटोमेटिक टिप ओवर प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, 1 ईयर की वारंटी है। और जो मेजर चीज है ISI मार्क के साथ आता है, अगेन यहाँ पर काफी अच्छी चीज है। और राइट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वी गार्ड की कुछ डिटेल लिखी हुई है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर वोल्टेज है वो लिख जाता है और कब बना है, दिसंबर 2023 में, तो लेटेस्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम लीटर प्राइस 2000 है, बट ये लगभग 1250 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ पैकेजिंग के बारे में लिखा गया है, तो इससे आपको ज़्यादा जो है ध्यान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो फटाफट से क्या करते हैं और इसे फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। और देख लेते हैं फटाफट की बॉक्स में आपको क्या मिलता है यहाँ पर। और हमारी जो यूनिट है वो रही यहाँ पर, और बाकी अगेन बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बॉक्स यहाँ पर खाली हो चुका है तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ यहाँ पर। और ये हमारा जो है वो हीटर है, एक यहाँ पर रैपर में जो है वो पैक्ड है, तो इसे भी हम फटाफट से देख लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आपको इनकी जो यूज़र मैनुअल है वो देखने को मिल जाती है, चाहो तो पढ़ सकते हो, उसमें काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। और फटाफट से यहाँ पर हमारा जो हीटर है वो निकाल लेते हैं। तो गाइज बॉक्स कंटेंट तो यार आप सभी ने देख ही लिए होंगे, आप बारी है हमारे यहाँ पर रूम हीटर की। सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड और डिज़ाइन की। तो बिल्ड और डिज़ाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छा, यहाँ पर जो है वो बिल्ट यहाँ पर महसूस होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम से उठाओगे तो काफ़ी लाइट वेट यहाँ पर ये महसूस होता है और लगभग इसका वेट जो है वो 500 ग्राम या 600 ग्राम के आसपास मुझे जैसा लगता है। और बाकी यहाँ पर सामने की तरफ ग्रिल्स आपको देखने को मिल जाती है, और पता नहीं ग्रिल्स का यहाँ पर डिज़ाइन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा शॉकिंग लगा, यहाँ पर एक ग्रिल यहाँ पर नहीं है, हो सकता है यहाँ पर डिज़ाइन लैंग्वेज हो। और बाकी यहाँ ऊपर और नीचे की तरफ आपको मेटल मिल जाता है और लेफ्ट और राइट साइड में यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ हुआ है। लेफ्ट और राइट में कुछ इस तरीके के आपको हैंडल्स मिल जाते हैं जिसे आप पकड़ के हीटर उठा सकते हैं, और प्लास्टिक के हैं तो करंट के यहाँ पर थोड़ा सा कम चांसेस होगा यहाँ पर। और कुछ यहाँ पर इस तरीके के डिज़ाइन को फॉलो करता है, लेफ्ट साइड में भी सेम डिज़ाइन मिल जाता है। और पीछे की बात करें तो यहाँ पर कुछ आपको वेल लेड यहाँ पर जो वेंटिलेशन है वो मिल जाता है, नीचे कुछ यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पावर कोड आपका कनेक्टेड है। और नीचे की बात करें तो यहाँ पर इनका टिप ओवर प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो ये जब दबेगा, जब आप नीचे रखते हो तब ये दबेगा, तभी यहाँ पर जो है वो आपका हीटर ऑन होगा, जो कि एक्सीडेंटली यहाँ पर यूजर्स के लिए रहता है। अगर मान लीजिए हीटर गिर जाता है तो आपका हीटर बंद हो जाएगा, कोई यहाँ पर जो दिक्कत है वो नहीं हो पाएगी, कोई डैमेज वगैरह यहाँ पर नहीं होगा। बाकी डिज़ाइन के मामले में कहूँगा अच्छा फॉलो करता है, आराम से जो है वो खड़ा हो जाता है। थोड़ा सा मैं कहूँगा जो है वो हल्का हल्का थोड़ा हिलता रहता है, बाकी गिरेगा तो नहीं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर वेल बिल्ड तरीके से मेंटेन्ड है। तो बिल्ड और डिज़ाइन में कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। साथ से यहाँ पर आपको यार 1 ईयर की वारंटी भी देखने को मिल जाती है, तो यार आप अगर कोई दिक्कत आती तो आप इनके वी गार्ड की जो है वो कस्टमर सर्विस में फोन लगाकर अपना जो भी जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व करा सकते हो। अब बात करते हैं बटन और पोर्ट्स की। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक लाइट मिल जाती है जो कि जलेगी, इसके अलावा वी गार्ड की यहाँ पर जो है आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, 2 स्विच मिल जाते हैं, 2 यहाँ पर हेलोजन रॉड मिल जाती हैं। और हेलोजन रॉड यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वो एनर्जी सेविंग होती है, इसके अलावा एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन रहता है, अगर मान लीजिए ख़राब हो जाती है तो इंस्टॉलेशन भी काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। साथ साथ यहाँ पर सामने की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको वेंटिलेशन के लिए दिया गया, और यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ पर जो हीटर है उसे कवर ना करे, डो नॉट कवर। और यहाँ पर आपको जो केबल लेंथ है वो फटाफट से मैं दिखा देता हूँ, और केबल लेंथ मुझे लगता है यहाँ पर लगभग 1.5 मीटर के आसपास की केबल लेंथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती, तो फटाफट से मैं दिखा देता हूँ। और ये यहाँ पर आती है 1/6 एम्पियर प्लग के साथ, तो आप नॉर्मल से प्लग में भी इसको लगा पाओगे, ऐसे नहीं कि बड़ा वाला प्लग आपको देखने को मिलेगा। और केबल लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो वही 1-1.5 मीटर के आसपास केबल लेंथ आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आपके नॉर्मली हर पोर्ट तक आराम से पहुँच जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और यहाँ पर जो इसका वोल्टेज है वो 800 वॉट के साथ आता है, 400 वॉट यहाँ पर ऊपर की तरफ, अगर एक जलाओगे 400 रहेगा, दूसरा जलाओगे तो दोनों कॉम्बिनेशन मिला के 800 वॉट यहाँ पर
रहती है। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने जो हीटर है उसको यहाँ पर प्लग इन कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आगे की जो भी चीज़ है वो हम यहाँ पर फटाफट देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे जो है वो प्लग इन कर दिया है, और यहाँ पर जो मेरे दोनों स्विच है वो बंद है, अब मैंने ऑन कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हो लाइट यहाँ पर जल चुकी है, इसका मतलब जो हमारा हीटर है वो पावर अप हो चुका है, मतलब अभी जला नहीं है। और फटाफट मैं एक यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया, जो स्विच की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा लूज क्वालिटी है, एकदम टाइट और बिल्ट इन यहाँ पर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगभग 10 सेकंड के आसपास में लगता है इसको पूरा जलने में लग जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, और देख सकते हो ये जल चुका है आराम से। और मैं कहूँगा सिंगल में अगर आप लगभग 50-60 सेंटीमीटर दूर खड़े हो तो सिंगल से आपको आराम से जो है वो यहाँ पर जो हीट है वो देखने को मिल जाएगी, और अगर आप डबल जला देते तो लगभग आप अगर 120 सेंटीमीटर दूर हो तो फिर आराम से आपका दोनों ही जो यहाँ पर रॉड है अगर वो ऑन करते हो तो आराम से आपको हीट वगैरह जो है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी। और एक जल चुकी है और दूसरी यहाँ पर मैं अभी नहीं जलाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइपॉड है वो काफ़ी करीब है, इसलिए मैं दूसरी जला के आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक जगह आपको नीचे की तरफ जो टिप ओवर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, उसकी वजह से मैं आपको फटाफट उसका जो है डेमो दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है हीटर उठा दिया है, तो जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर नहीं जो है वो दब रही है, इसलिए ये हीटर बंद हो चुका है। अब वापस लगा देता हूँ और ये वापस यहाँ पर जलना शुरू हो गया। तो इस तरीके की प्रोटेक्शन है कि कोई अगर बच्चा आपके घर में एक्सीडेंटली से उठा देता है या गिरा देता है तो आपका थोड़ा जो है वो यहाँ पर नुकसान होने से बच सकता है। तो ये टोटल यहाँ पर था वी गार्ड की तरफ से आने वाले इसके EQT 800 क्वार्टज के यहाँ पर रूम हीटर का, जो कि 1250 रुपए की कीमत में आपको जो है वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो इसे जो है वो बाय कर सकते हो, इसकी बेस्ट प्राइस लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और मेरी तरफ से ये फुल्ली रिकमेंडेड है, जाकर आप परचेस कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।